छतरपुर कलेक्टर संदीप दिया ने गौरिहार क्षेत्र का दौरा किया है, तालाबों सहित विद्यालयों का निरीक्षण भी किया। जनपद कार्यालय पहुंचकर विकास कार्यों में तेजी लाने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। ग्राम पंचायत बराहा में कलेक्टर ने नीति आयोग से पूर्व में बने गंगा तालाब का निरीक्षण किया। इसके बाद हाईस्कूल बराहा पहुंचे, जहां नए सत्र की पुस्तकों के वितरण होने के साथ ही छात्र भी उपस्थित मिले। इसके बाद ग्राम पंचायत से चहरी के सूख चुके बनिया तालाब का अवलोकन किया। गौरिहार पहुंचते ही सबसे पहले हायर सेकेंडरी विद्यालय का निरीक्षण किया, जहां प्रयोगशाला में सामग्री व्यवस्थित न होने से नाराजगी व्यक्त की। किताबों के वितरण में हो रही देरी के लिए DEO को फटकार भी लगाई गई है। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। जनपद कार्यालय पहुंचने के बाद कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और विकास कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने गौरिहार में पानी की टंकी जल्द बनाए जाने के लिए PHE के EE को निर्देशित किया है। इसी बीच कलेक्टर ने जनता की समस्याओं को भी सुना और निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी इशूज अपने शालाओं का प्रबंधन कर देखिए, क्योंकि अभी नया सत्र शुरू होने वाला है और अपने आंगनबाड़िया, अपने स्वास्थ्य सेवा है जो हमारे सब हेल्थ सेंटर्स है, और अभी क्या गर्मी का समय है तो जितने भी वर्क से हमारे रूरल डेवलपमेंट के वर्क्स के तालाबों का शहरीकरण का और उन सभी को लेके और पीने का पानी का स्टेटस जो है हेल्थ PHE का, उन सबको देखा गया आज और जहाँ जहाँ पे शॉर्टकमिंग्स थे उनको उस हिसाब से दिशा निर्देश भी दिया गया है ताकि उनको संबंधित PHE के टीम को अभी इन इश्यूज को सॉर्ट करने के लिए निर्देश दिया गया है। टीम जो है इसको निराकरण करने तो प्रयासरत रहेगी और उनको शीघ्र से शीघ्र करने हैं।